बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान गवर्नमेंट जॉब्स में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कुछ वैकेंसीज हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस हुई हैं, उनकी डिटेल, अप्लाई करने का तरीक़ाकार और लास्ट डेट कौन सी है, तमाम चीज़ें इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो जॉब के रिलेटेड, वो नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक पहुंच सके और आप जॉब, जो भी नई जॉब्स आई हों उसके ऊपर अप्लाई कर सकें। तो चलते हैं वेबसाइट के ऊपर और आपको वैकेंसीज की डिटेल बताते हैं। जी तो दोस्तों, हम वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। तो आज की जो जॉब्स हैं वो हम आपको बताने चले हैं जी। जॉब जो आई हैं जी वो हैं जी रेस्क्यू 1122, जो एमरजेंसी सर्विस है पूरे पाकिस्तान में 1122 वाली, उनकी जॉब्स आई हैं। मज़ीद डिटेल की तरफ जाते हैं तो डिटेल में लिखा हुआ है जी, ऑर्गेनाइजेशन है जी। अच्छा, ये 20 अगस्त को आई हैं, अनाउंस हुई हैं, कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर हैं। और सिंध एमरजेंसी यानी कि सिंध की वैकेंसीज हैं, जो सिंध के लोग हैं उनके लिए ये वैकेंसीज़ अनाउंस हुई हैं। गवर्नमेंट की वैकेंसीज हैं, सिटी जो हैं वो हैं जी कराची, लड़काना, हैदराबाद। वैकेंसीज जो हैं वो हैं जी 822 प्लस, यानी 822 प्लस से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। और लास्ट डेट जो इनकी है वो है 12 सितंबर 2023, यानी कि आप 12 सितंबर 2023 से पहले पहले अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद डिटेल की तरफ जाते हैं तो डिटेल में इनको लिखा हुआ है जी कौन कौन सी जॉब्स हैं। आईटी ऑफिसर है, लीड फायर रेस्क्यू है, ऑफिस असिस्टेंट है, ऑफिस अटेंडेंस है, सिक्योरिटी गार्ड है, शिफ्ट इंचार्ज है, स्टेशन हाउस इन चार्ज है, टेक्नीशियन हेल्पर है, ट्रांसपोर्ट मेंटेनेंस इंचार्ज है, अकाउंटेंट है, ऑटो टेक्नीशियन है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, कंट्रोल रूम इंचार्ज है, DERT रेस्क्यू है, ड्राइवर्स है, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन है, इमरजेंसी ऑफिसर है, फायर फाइटिंग ऑफिसर है। तो क्राइटेरिया में क्या है जी, देखते हैं। जेंडर मेल एंड फीमेल दोनों की वैकेंसीज हैं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे मज़ीद डिटेल है जी, स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेशन और टेक्निकल की स्किल्ड आनी चाहिए। एज लिमिट जो मिनिमम एज है 18 से 40 साल आपकी एज होनी चाहिए। मिडल मैट्रिक, इंटरमीडिएट, DAE, बैचलर, मास्टर एंड रेलिवेंट डिप्लोमा, ये तमाम एजुकेशन रिक्वायर्ड हैं। एक्सपीरियंस आपका 1 से 3 साल का होना चाहिए। आगे डिटेल, सैलरी जो दी गई है पैकेज वो 40,000 से 80,000 के दरमियान है। अप्लाई करने का तरीक़ाकार वो आपको बता देते हैं। अच्छा, स्टेप 1 जो लिखा हुआ है, फिल एप्लीकेशन फॉर्म, आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। नंबर 2, आपने सेंड फिल एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद दी ओरिजिनल पेड डिपॉजिट स्लिप फॉर दी टेस्ट फीस, यानी कि आपने टेस्ट फीस भी जमा करवानी है और साथ डिपॉजिट स्लिप भी आपने लगवानी होगी। जो आप फीस जमा कराएंगे उसकी डिपॉजिट स्लिप आपको फॉर्म के साथ फिल करके लगा के इस एड्रेस के ऊपर भेजनी है। PTS हेडक्वार्टर, अदील प्लाजा, 3rd फ्लोर, फजल हक रोड, ब्लू एरिया, इस्लामाबाद। PTS हेडक्वार्टर, अदील प्लाजा, 3rd फ्लोर, फजल हक रोड, ब्लू एरिया, इस्लामाबाद। लास्ट डेट, दी लास्ट डेट फॉर सबमिशन दी एप्लीकेशन इन सितंबर 12, 2023। ये इनका एडवर्टाइजमेंट है जी, तमाम तफसीलात इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर लिखी हुई हैं और ये इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं मुकम्मल। तमाम चीज़ें, हेल्पलाइन नंबर जो लिखा हुआ है 0511111787, ये तमाम वैकेंसीज थी जिसकी डिटेल आपके साथ शेयर करनी थी। तो मज़ीद जॉब्स के लिए, वीडियो के लिए, अप्लाई करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।